ली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी. ऑल प्रोडक्ट्स हैव अ गुड डिमांड इन द मार्केट. देर आर फोर प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर इन डिमांड. द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू. फॉर ऑल द फोर प्रोडक्ट्स वी हैव मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, वी हैव मशीनिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड इट्स गिवन दैट द मशीनिंग रेट इज 8 रुपीज पर आर. सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मशीन आर्स पर प्रोडक्ट, हाउ मेनी मशीन आर्स आर बींग कंज्यूम्ड. अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मार्केट डिमांड. फिक्स्ड ओवरहेड्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन आर. सो नाउ बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन द फिक्स कॉस्ट आर चेंजिंग. वी हैव डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट. अगर हम 1,50,000 आवर्स काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट 10 लाख लगता है. इफ वी वर्क फॉर मोर देन 150 बट टिल 3 लाख आवर्स, फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस टू 10,50,000. लाइक दिस हमारे पास चार रेंजेस हैं जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग फिक्स कॉस्ट लग रहा है. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज चेंजिंग, इवन दिस विल हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर फिक्स कॉस्ट सेम होता हम इसको इग्नोर कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट को छोड़ के हम डिसीजन ले लेते हैं अगर फिक्स कॉस्ट सेम होता है. लेकिन यहाँ पर वी हैव डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट. अलग अलग ऑल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग है, तो हमें भी हर एक को कंसिडर करना पड़ेगा. एट प्रेजेंट द अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द कंपनी इज 4,98,000 मशीन आवर्स. इट्स 4,98,000, मतलब फोर्थ रेंज में फॉल हो रहा है. राइट नाउ हमारी जो कैपेसिटी है इट फॉल्स इन द फोर्थ रेंज. दिस कैपेसिटी इज नॉट इनफ टू मीट द एंटायर मार्केट डिमांड एंड हेंस द प्रोडक्शन मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी. इतनी कैपेसिटी में 4,98,000 आवर्स में हम अपने मार्केट की डिमांड को फुल्ली यूटिलाइज और फुल्ली फुलफिल नहीं कर सकते. एंटायरली वी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड. तो प्रोडक्शन मैनेजर डिमांड फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है. द कंपनी वॉन्ट्स टू रिटेन द कस्टमर्स बाय मीटिंग देयर डिमांड्स थ्रू ऑल्टरनेटिव वेज. कंपनी चाहती है अगर वो फिलहाल डिमांड फुलफिल नहीं भी कर पा रही है तो भी वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रखे. एनी हाउ मतलब अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है तो कोई दूसरा तरीका देखे जिससे वो कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर पाए. वन ऑल्टरनेटिव इज टू सब कॉन्ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट. द सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर रिसीव्ड इज एज फॉलोज. एक ऑल्टरनेटिव है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सब कॉन्ट्रैक्ट करा ले, क्योंकि हमारे पास खुद के पास कैपेसिटी नहीं है तो हम बना नहीं सकते. तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि हम चाहें तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करा ले, हम चाहें तो गुड्स को कहीं और से खरीद के और फिर बेचे, किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के एंड देन वी सेल. क्योंकि कंपनी चाहती है कि वो कस्टमर को रिटेन करे, तो हम ये ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव ये है जिसको हम चूज कर सकते हैं. जितना डिमांड फुलफिल कर पाए उतना करें, उसके आगे हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें. देन द सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर रिसीव्ड इज एज फॉलोज. चारों प्रोडक्ट का हमें सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है. द कंपनी सीक्स योर एडवाइस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस and/or subcontracted or as to achieve the maximum possible so as to achieve the maximum possible profit. आपको बताना है कौन से प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी हम बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. तो जरूरी नहीं है कि जितनी कैपेसिटी है उतना भी हम पूरा यूज करें, हो सकता है इसको इससे भी कम यूज करके हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए. चांसेस है कि हम इतनी कैपेसिटी भी यूज ना करें और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए. तो हमें चारों ऑल्टरनेटिव कैपेसिटीज जो दी है उनको कंसिडर करके फाइंड करना है किस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू ऑल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर सजेशन. जो आपने सजेस्ट किया उसका प्रॉफिट भी आपको वर्कआउट करना है. तो हमारे पास चार प्रोडक्ट है, चारों में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम खुद बनाए या फिर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें. पहले तो हम देखें कौन से ऑप्शन में हम मेक ऑप्शन चूज करेंगे, कौन से प्रोडक्ट के लिए, और कौन से प्रोडक्ट के लिए हम बाय ऑप्शन या सब कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन चूज करेंगे. हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसपे सब कॉन्ट्रैक्टिंग ही सस्ता पड़ता है, आप खुद बनाओगे तो महंगा ही पड़ेगा. इन दैट केस
इवन तो आपके पास कैपेसिटी हो तब भी प्रेफरेबल है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर लो. और जो प्रोडक्ट्स जिनको हमें खुद बनाना चाहिए, जहां पर मेकिंग इज मोर बेनिफिशियल देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, वहां पर फिर हमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा, हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स. हमारे पास मशीन आवर्स की लिमिटेशन है, तो उनको हमें रैंकिंग के बेसिस पे अलोकेट करना पड़ेगा. रैंकिंग्स के लिए भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन या सेविंग्स फाइंड करनी पड़ती है. सो लेट्स फर्स्ट सी, हमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, और हमें दिया हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑप्शन का कॉस्ट. सो वी कैन फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग से कौन से प्रोडक्ट में कितनी सेविंग हो रही है. विच आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोवाइडिंग अस सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग. अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग पे सेव करने की जगह एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, हम बोलेंगे उनको तो सब कॉन्ट्रैक्ट ही कर देना चाहिए. एंड फॉर दोज जहां पर मेकिंग इज बेटर, मैन्युफैक्चर करने पे कुछ सेविंग हो रही है, उधर हम फाइंड करेंगे सेविंग्स पर आर, बिकॉज वी हैव अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ मशीन आवर्स. सो वी विल फाइंड सेविंग्स पर आर, उसके बेसिस पे हम रैंकिंग देंगे किस प्रोडक्ट में, किस प्रोडक्ट को पहले मैन्युफैक्चर करना चाहिए ताकि हम ज्यादा सेव कर पाए. तो हमारे पास चार प्रोडक्ट हैं, ए बी सी एंड डी. मटेरियल कॉस्ट इज गिवन एज 64, 72, 45 एंड 56. मशीनिंग कॉस्ट इज गिवन एज 48, 32, 64, 24. अदर वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन एज 32, 36, 44 एंड 20. सो दीज आर कॉस्ट टू प्रोड्यूस. एक यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है ये, मटेरियल, मशीनिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट. कितना होगा ये? दिस वन, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इतने, और नीचे में सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी दिया हुआ है. अगर हम बनाना नहीं चाहे, सब कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहे, इन दैट केस इट विल कॉस्ट अस फॉर ए 146, फॉर बी 126, सी 155 एंड डी 108. प्रोड्यूस करने के कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉस्ट, इन दोनों को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बी के केस में इट्स ऑलवेज बेटर टू सब कॉन्ट्रैक्ट, भले ही आपके पास स्पेयर कैपेसिटी हो. इवन देन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट यू शुड नॉट गो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बी. तो हम अपना यहां पर डिसीजन ले सकते हैं. और लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट सेविंग्स. सेविंग्स ऑन प्रोडक्शन, अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो हमें कितनी सेविंग होती है. ए को अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट की जगह मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम 2 रुपए बचा लेते हैं. बी में वी हैव एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 14 रुपीज, सी में वी हैव अ सेविंग ऑफ 2 रुपीज एंड डी में वी हैव अ सेविंग ऑफ 8 रुपीज ऑन सेल्फ प्रोडक्शन. सो अवर डिसीजन विल बी, और अवर प्रेफरेंस विल बी टू मेक ए, टू मेक सी एंड टू मेक डी, वेर एज टू सब कॉन्ट्रैक्ट बी. बी को हमें सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए. अब ये जो 3 प्रोडक्ट है ए सी और डी, जिनमें हमारा डिसीजन या हमारा प्रेफरेंस आया है कि हम कोशिश करेंगे खुद ही मैन्युफैक्चर करें, इन तीनों में भी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमें पहले किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, वी विल हैव टू फाइंड दैट, क्योंकि लिमिटेड मशीन आवर्स है, तो लिमिटेड मशीन आवर्स में हमें किसका प्रोडक्शन पहले करना चाहिए.
जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोडक्शन पे ज्यादा सेविंग देगा, 1 घंटे में 1 घंटा अगर उसका प्रोडक्शन करोगे, सेविंग ज्यादा होगी, हमें उसी का प्रोडक्शन पहले करना चाहिए. सो वी विल हैव टू फाइंड सेविंग्स पर आर. ये तो पर यूनिट निकाला हमने. दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर्स पर यूनिट. मशीन आवर्स पर यूनिट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मशीनिंग कॉस्ट एंड मशीनिंग रेट. रेट हमें दिया हुआ है 8 रुपीज पर आवर. व्हेन मशीनिंग कॉस्ट इज 48, हमारा नंबर ऑफ आवर्स हो जाएंगे 8. बी में निकालने की जरूरत नहीं है. सी में इट विल बी, सॉरी, 6, 8 एंड 3. दीज विल बी द नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर. सो वी कैन फाइंड सेविंग्स पर आवर. इट इज 2/6, दैट इज 0.33. 2/8, दैट इज 0.25. एंड 8/3, 2.67. हो गया सेविंग्स पर आर. नाउ दिस सेविंग्स पर आर क्लियरली शोज कि अगर आप डी बताते हो तो आप सबसे ज्यादा सेविंग कर रहे हो. तो सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए टू मैन्युफैक्चर डी, उसके बाद ए और उसके बाद सी. ये होना चाहिए हमारा प्रेफरेंशियल ऑर्डर. इस सीक्वेंस में हम प्रोडक्शन करेंगे. कॉन्ट्रीब्यूशन तो फिर आपको दो जगह कंसिडर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल मैन्युफैक्चरिंग. अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद बनाओ या फिर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करो. हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. मान लो ए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा है. से ए का सेलिंग प्राइस इज 162, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा अगर हम मैन्युफैक्चर पे जाए तो अराउंड 18. ओके, मान लो ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. लेकिन डी मान लो कि इससे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 18 पर यूनिट, जबकि डी से कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है सपोज इट्स ओनली 10 पर यूनिट. ओके, बट अगर आप ए का मैन्युफैक्चर पहले करते हो ये देख के कि इससे कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है, तो आपको डी का सब कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा जब कैपेसिटी शॉर्ट पड़ेगी तो. ठीक है, डी का अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराओगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट ज्यादा लगे. आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस है 8 रुपीज का, 8 रुपीज का डिफरेंस है और वो 3 घंटे में आ रहा है. 3 घंटे अगर आप डी पे स्पेंड करते हो तो आप 8 रुपीज बचा सकते हो. अगर आप यहाँ पर 6 घंटे ए पे स्पेंड करते हो तब जाके आप केवल 2 ही रुपए बचाते हो. मतलब अगर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि हमें ए बनाना है, डी सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ज्यादा कॉस्ट पे करेंगे. आया समझ में? यहाँ पर वी हैव टू ऑल्टरनेटिव जिनमें हमें कंपेरिजन करना है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ यही ऑप्शन होता कि आप मैन्युफैक्चर करो और उसमें से आपको अलॉटमेंट करना पड़ता किसको पहले मैन्युफैक्चर करें, तब कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर पे जाते. बट वेन वी हैव टू गिवन ऑप्शन तो हमें उन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, रिलेटिविटी उन दोनों के बीच में देखनी पड़ेगी. केवल ये देख के कि मैन्युफैक्चर से इस पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है और सब कॉन्ट्रैक्टिंग को टोटली इग्नोर करके अगर आप डिसीजन लोगे, हो सकता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपने सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन दिस कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करना आपको महंगा पड़ रहा है. अगर आपने यहाँ पर डी का सब कॉन्ट्रैक्ट चूज किया तो आपको 8 रुपीज पर यूनिट पे करना पड़ रहा है. आप बचा रहे हो केवल 3 घंटे, डी को नहीं बना के सिर्फ 3 घंटे बचा रहे हो, उन 3 घंटे के लिए आप 8 रुपए पे कर रहे हो एक्स्ट्रा. ओके, जबकि यहां पर आप 6 घंटे बचा के सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो. अगर यहां सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो तो इधर आप 6 घंटे सेव हो जाएंगे आपके, और उसपे आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ 2 रुपए ही लगेगा. क्योंकि हमें रिलेटिविटी कंसिडर करनी है इसलिए हम सेविंग्स को कंसिडर करके डिसीजन ले रहे हैं. ओके, दीज आर द रैंकिंग्स, इनके बेसिस पे अब हम अपनी कैपेसिटी को अलॉट कर सकते हैं. नाउ
इन दिस क्वेश्चन वी हैव फोर काइंड्स ऑफ कैपेसिटीज, फोर अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज है, लेवल ऑफ कैपेसिटीज है हमारे पास, और हर एक लेवल पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अलग है. एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी वी हैव अ डिफरेंट फिक्स कॉस्ट. तो हो सकता है आप कैपेसिटी बढ़ा के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहो, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ भी जाए आपका, अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाओ, ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करो, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन उसी के सामने आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा, हो भी सकता है प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए. मतलब यहां पर हम केवल कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, केवल ये देखकर कि हमारा तीनों प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव सेविंग्स दे रहे हैं, तो हमें तीनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तीनों का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर देना चाहिए. वी कैन नॉट बेस अवर डिसीजन ओनली बेस्ड ऑन दीज कॉन्ट्रीब्यूशन और सेविंग्स, बिकॉज हो सकता है जितने से आप कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाए. तो हमें अलग अलग ऑप्शंस कंसिडर करने पड़ेंगे, जिसका ओवरऑल प्रॉफिट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, नॉट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट जस्ट सेविंग्स, वी हैव टू नाउ कंसिडर द ओवरऑल प्रॉफिट. फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ेंगे. हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज दी है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास अगर कैपेसिटी 100% 498,000 आवर्स है तो आप पूरा 498,000 आवर्स ही यूज करो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. आपको वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चूज करना है जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. यू हैव टू चूज दैट कैपेसिटी लेवल विच कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. वो 498 से कम भी हो सकता है, 498 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बोला गया है कि हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ाएंगे, फिक्स कॉस्ट कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है. 600,000 तक की कैपेसिटी पॉसिबल है बढ़ाना बाय इनकरिंग सम एडिशनल फिक्स कॉस्ट. तो हमारे लिए जो ऑप्टिमल कैपेसिटी लेवल है वो 498 से कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. वी विल हैव टू कंसिडर ईच इंडिविजुअल रेंज और हमें उसमें ऑप्टिमैलिटी निकालनी या प्रॉफिट्स वर्कआउट करने पड़ेंगे टू गेट द फाइनल मैक्सिमम प्रॉफिट. सो वी हैव फोर ऑप्शंस. द फोर ऑप्शंस आर, पहला आप 150,000 आवर्स ही यूज करो, यूटिलाइज ओनली 150,000 आवर्स. दूसरा ऑप्शन 3,00,000 आवर्स में आप प्रोडक्शन करो. तीसरा ऑप्शन 4,50,000 आवर्स कंज्यूम करो. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 6,00,000 आवर्स. ये चार अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास, ऑल्दो हमारे पास पूरी रेंज है, तो आप बोल सकते हो हम रेंज में से कुछ भी ले सकते हैं. बट अगर मान लो हम इस रेंज की बात करें 1,50,000 से 3,00,000, आप अगर 1,50,000 वन यूनिट भी बनाते हो आपका फिक्स कॉस्ट लगता है 10,50,000. आप अगर 1,60,000 यूनिट्स बनाओ तो भी फिक्स कॉस्ट लगेगा 10,50,000. आप 2,00,000 यूनिट बनाओ तो भी 10,50,000. आप 3,00,000 यूनिट्स भी बनाओगे तो भी 10,50,000 लगेगा. मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में 150 से 3,00,000 तक की रेंज में फिक्स कॉस्ट फिक्स हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो हम कोशिश करेंगे उस रेंज में से वो प्रोडक्शन करें जो हमारे कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें वो वाला क्वांटिटी या वो वाले नंबर ऑफ आवर्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो. और आप जितना इन तीनों का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कंट्रीब्यूशन तो आपका बढ़ता ही जाएगा, तीनों आपको पॉजिटिव सेविंग्स ही दे रहे हैं, तो इन तीनों में से जितना प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओगे. इसका मतलब हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लेवल पे ऑपरेट करने का, बीच का कोई क्वांटिटी, बीच के कोई नंबर ऑफ आवर्स हम चूज नहीं करेंगे. से 3,00,000 की जगह अगर हमने 2,00,000 चूज कर लिया, इसका मतलब हम इन तीनों में से कोई प्रोडक्ट है, से ये वाला प्रोडक्ट हम कम बना रहे हैं, इसको कम बना रहे हैं या नहीं बनाने से आपको इससे मिलने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. आप इसको सब कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसपे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे, जबकि फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगेगा. आप 2,00,000 आवर्स यूज करो या 3,00,000 आवर्स यूज करो, तो इट्स बेटर टू यूज 3,00,000 आवर्स. इन तीनों का प्रोडक्शन जितना पॉसिबल हो हमें बढ़ाना है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कम से कम करनी है. ये समझ में आया? दैट इज वाई वी विल चूज द अबव, सॉरी द हायर साइड्स.
हमारी जो रेंज है उसमें जो हायर पॉइंट है हम उसको चूज करके डिसीजन लेंगे। ये तो बात पक्की है कि बी को तो हमें सब कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, बी का मैन्युफैक्चर तो सोचना ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हमें सोचना है सिर्फ डी देन ए एंड देन सी की। ओके, जितना बन पाए उतना ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको भी सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहला अगर हम ऑप्शन ले जहां पर हम 1,50,000 आज की कैपेसिटी पर ऑपरेट करना चाहते हैं, 1,50,000 आज की कैपेसिटी, तो 1,50,000 आज की कैपेसिटी मतलब लिमिटेड है। आप कौन से प्रोडक्ट को पहले प्रोड्यूस करना चाहोगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आज है ना, तो हमें चूज करना पड़ेगा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। कौन सा प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस करेंगे, डी, जिसकी सेविंग ज्यादा है, उसको हमने रैंक दी है फर्स्ट, तो पहले हम ये प्रोड्यूस करेंगे। इसके पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, टू गिव डिमांड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। डिमांड दी है 52,000, 48,500, 26,500 एंड 30,000। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, मशीन आवर्स पर यूनिट ये है 6, 8 और 3। बी तो हमें बनाना ही नहीं है तो इसमें हमें आवर्स भी कैलकुलेट नहीं करना है। फॉर ए सी एंड डी दीज आर द मशीन आवर्स पर यूनिट एंड दिस इज द क्वांटिटी विच वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस। तो टोटल मशीन आवर्स हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, ए में 6 घंटे लगेंगे और हमारे पास है 52,000 यूनिट्स, डिमांड फुलफिल करने के लिए कितने आवर्स की जरूरत होगी, 312,000। बी 212, सॉरी सी, सी का 212,000 एंड डी 90,000 आवर्स। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स विच वी रिक्वायर। ओके, अब जब हमारे पास यहां पर लिमिटेड है 1,50,000 आवर्स, हम पहला प्रेफरेंस देंगे डी को, पहले हम डी को प्रेफरेंस देंगे, तो 1,50,000 में से 90,000 आवर्स तो हम डी के अलॉट कर देंगे। एलोकेशन करें, सबसे पहले तो 90,000 आवर्स हम डी को एलोकेट कर देंगे, तो बचे हमारे पास केवल 60,000 आवर्स। आउट ऑफ 1,50,000 हमने 90,000 अलॉट कर दिए, तो बचे 60,000 आवर्स। वो 60,000 आवर्स हम एलोकेट करेंगे ए को, जिसकी रैंक सेकेंड है, सी को कुछ भी एलोकेशन नहीं होगा। ओके, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो डी के तो पूरे 30,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे और ए के सिर्फ 60,000 आज हम काम कर रहे हैं। एक यूनिट बनाने में लगते हैं 6 घंटे, मतलब हम ए के 10,000 आज खुद प्रोड्यूस कर पाएंगे। सी का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर हमारी कैपेसिटी 1,50,000 ही है। तो फिर हमें क्या क्या सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डिमांड फुलफिल करना चाहती है कंपनी, कुछ भी वो वेस्ट नहीं रहने देना चाहती, अनफुलफिल्ड नहीं रहने देना चाहती, सब कुछ फुलफिल करना है, तो जो भी रह गया वो सब कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। क्या क्या बचा, डी का तो फुलफिल हो गया पूरा, डी में कोई क्वांटिटी सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ए में 10,000 यूनिट्स हमने बनाए, डिमांड थी ए की 52,000, आउट ऑफ दिस 52,000 10,000 हम बना रहे हैं, तो 42,000 मतलब हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। देन सी का हमने कोई भी क्वांटिटी नहीं बनाया, तो पूरे की पूरी जो डिमांड है 26,500 दिस वी विल सब कॉन्ट्रैक्ट। और बी तो हमें मालूम ही है, वो तो सब कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, हम चाहते ही नहीं है बी बनाना। ओके,
तो अगर हम 1,50,000 आवर्स की कैपेसिटी में काम करते हैं, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और इतना सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली इन तीनों ऑप्शंस में हम अलॉटमेंट करें, अगर हमारे पास 3 लाख आवर्स है अवेलेबल, अगेन 3 लाख में से पहले हम 90,000 डी को अलोकेट कर देंगे, बचे 2,10,000, 2,10,000 पूरे के पूरे ए को अलोकेट कर दिए जाएंगे, सी को कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाएगी डी की 30,000, ए का हो जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाय 6, 35,000, और सी का कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी की जितनी भी डिमांड बच गई वो सारी की सारी सब कॉन्ट्रैक्ट होगी। डी में कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है, ए में आपको 52,000 यूनिट्स बनाने थे, आपने सिर्फ 35 बनाए, तो बाकी के बैलेंस कितना, 17,000 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सी के सारे 26,500 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बी के 48,500 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन थर्ड, अगर आपके पास नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल आर 4,50,000, अगर 4,50,000 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, इन दैट केस अगेन 90,000 तो हम डी को अलोकेट करेंगे। आगे करो आप अलोकेशन।